मैडम, आपकी क्वालिफिकेशन तो इंटरेस्टिंग है वैसे, लेकिन आप एचआर वगैरह में कुछ देखिए, आईटी में तो ज़्यादातर मतलब समझ रही है ना आप। यू आर सिंपली ओवर एक्टिंग मैडम, आई नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, आई फील योर पेन। आप 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, क्लीन अप एंड कम बैक फ्रेश। मैडम, आपकी तनख्वाह लड़कों वाली एक्सपेक्टेशन जैसी तो नहीं है ना? बहुत रात हो गई है मैडम, आप जा सकती है, लड़के सब संभाल लेंगे। आज रात को अगर आप फ्री हैं तो ड्रिंक्स पर चलें, इस कंपनी में आपका फ्यूचर वगैरह डिस्कस कर लेंगे। जरा साहब को बुला देंगे? जी एक मिनट। जी वैसे तो ये घर में 4 लोग रहते हैं, लेकिन आप लिखिएगा 3, क्योंकि इस घर में साहब और मीम साहब दोनों में ही। Sometimes I really wonder how one can associate knowledge with gender. In spite of having what it took, she lost that job to a male contender. Even then, she didn't surrender. We still have some idiots thrash talking about periods. Just because she gave an opinion, he assumed she's bleeding as a proof of his own ill breeding. Sabko lagta hai girls have it their way. Well, certainly not when it comes to pay. Why? अब लड़की है तो देर रात तक काम नहीं करेगी और लड़कों से हर चीज में पीछे ही रहेगी। पर कोई उस लड़की से भी तो पूछे वो क्या और क्या नहीं सहेगी। वैसे कई लड़कियां देर रात तक काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? I don't think so. लोग सोचते हैं ऑफिस में आगे बढ़ने के लिए she'll do anything, because in the end she's a female offspring, and so she'll let you on stream. डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, बायस्ड ओपिनियंस, प्रिजुडिसेस आज भी ऑफिसों में जारी है। कहती नहीं है, लेकिन लड़कियां बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करके जॉब करने आती है, और वहां भी आपकी धक्कानुसी सोच के आधार पर टिके अनुमान के कारण आप उन सभी लड़कियों को बेवजह बेहिसाब मुसीबतों का सामना करवाते हो और छोटी सी छोटी बात पर छोटा महसूस करवाते हो। अरे आगे बढ़ते हैं यार, इन घटिया ख्यालातों को पीछे छोड़। Hi guys, so if you like this video, please like, share and subscribe to Bollywood Bubble.